नमस्कार, मैं हूं नरेश ठाकुर। स्वागत है आपका के चैनल में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। अब पोस्ट ऑफिस में मिलेगी एटीएम की सुविधा। मंडलायुक्त देवेश कुमार ने किया एटीएम का लोकार्पण। कौशल विकास भत्ता कंडक्टर यूनियन मंडी का हुआ गठन। कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया में दी जाए प्राथमिकता, कहा कृष्णचंद ने। मंडी के वार्ड नंबर 4 में बार बार लीक होती सीवरेज से लोग परेशान। विभाग से की स्थायी समाधान की मांग। और हमीरपुर के तकनीकी विश्वविद्यालय के बाहर विद्यार्थियों ने फीस वृद्धि को लेकर किया प्रदर्शन। प्रधान डाकघर मंडी में अब लोगों को एटीएम की सुविधा मिलेगी। मंगलवार को डिवीजनल कमिश्नर देवेश कुमार ने प्रधान डाकघर मंडी परिसर में स्थापित एटीएम का लोकार्पण किया। प्रधान डाकघर मंडी परिसर में एटीएम का लोकार्पण करने के पश्चात उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त देवेश कुमार ने कहा कि इंडिया पोस्ट देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और गांव-गांव तक इसका प्रसार हुआ है और यह विश्वसनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। किसी भी विभाग की तरक्की में शुरुआत होती है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। इंडिया पोस्ट की स्ट्रेंथ ये है कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, पूरे देश में गांव-गांव तक पहुंच रही है और बड़ी एक सुगम और मैं कहूँगा रिलायबल सर्विस रही है। पोस्टमैन हमेशा आता रहा है। उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके अब बैंकिंग में जाना, एटीएम्स लगाना, पैकेज डिलीवरीज देना और लेना, पोस्टल जो आपकी डिलीवरी है उसको देना और उसको लेना, बहुत बड़ा कार्य है। तो बड़े अच्छे तरीके से इस कार्य को किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ सुनकर के कि सीबीएस नेटवर्क पे इतनी सारी आपकी शाखाएं इतनी जल्दी आ गई। इसके लिए वाकई में पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है और लोगों की दुआएं इस डिपार्टमेंट को रहेंगी। मेरी कामना है कि विभाग और उन्नति करे। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भांति आप कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ में आपका कॉम्पिटिशन है और उसी स्तर के जो सर्विस है वो आप जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं आगे भी इस प्रकार से करते रहें। वहीं विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शिमला एके सूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया पोस्ट के पास 32 करोड़ अकाउंट्स हैं और हिमाचल प्रदेश में 22 एटीएम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत विभिन्न जिलों में एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं। इंडिया पोस्ट के पास 32 करोड़ अकाउंट हैं, 32 करोड़ अकाउंट, जिसमें से सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट ने ये टास्क पकड़ा था कि इनको हम कंप्यूटराइज करें संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर के जरिए। 4-5 साल तक जो है वो काम चलता गया। फिर उसके बाद आया कि जैसे कि जो है सारे हिंदुस्तान में जो ट्रेंड चला हुआ है कोर बैंकिंग नेटवर्क का, कि कोर बैंकिंग सीबीएस जिसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सर्विस, उसको इस्टेब्लिश किया जाए। उसके लिए हमने वही दुनिया का प्लेटफॉर्म जो हर बैंक, जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज कर रहा है, फिनेकल सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने स्विच ओवर का टास्क पकड़ा। जब फिनेकल के ऊपर हमने टास्क पकड़ा ये 1 साल पहले, तो उसमें ये था कि 25,000 सारे हिंदुस्तान में ऐसे पोस्ट ऑफिस हैं जिनको डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, जिनको सीबीएस नेटवर्क पर जोड़ने का टास्क प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। और आज की तारीख में हम 20,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे सीबीएस नेटवर्क पर जुड़ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितनी भी उसकी एंसिलरी ब्रांचेज हैं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हैदराबाद वगैरह, उनकी जितनी भी ब्रांचेज हैं वो 16,500-17,000 के करीब ब्रांचेज बैठती हैं। आज इंडिया पोस्ट उन सबसे आगे निकल चुका। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एचआरटीसी विभाग द्वारा अस्थायी तौर पर प्रशिक्षित मंडी यूनिट के युवाओं ने कौशल विकास भत्ता कंडक्टर यूनिट का गठन किया है। ये जानकारी स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के महासचिव कृष्णचंद ने दी।
स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के महासचिव कृष्ण चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि कौशल विकास भत्ते पर रखे गए युवाओं को 2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें निकाल दिया गया है और यह युवा अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। महासचिव कृष्ण चंद ने कहा कि जब भी विभाग द्वारा कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी तब इन युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। जो परिवहन निगम में हिमाचल सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ते के ऊपर रखे गए हमारे जो भाई हैं उन्हें सरकार द्वारा 2.5 महीने की ट्रेनिंग देकर के जो है उन्हें निकाल दिया गया है। आज हमारे जो ट्रेनिंग भाई हैं इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जो खिलवाड़ सरकार द्वारा किया गया है वह बिल्कुल गलत है। इस खिलवाड़ को बंद करके जो है हमारे भविष्य के लिए सरकार जो है कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हमारा भविष्य बन सके। और मैं माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश जी से भी निवेदन करता हूं और हिमाचल सरकार जी से भी निवेदन करता हूं कि परिवहन निगम में जो भी कनेक्टर की भर्ती होगी सबसे पहले जो कौशल विकास भत्ते के तहत ट्रेनिंग कर चुके लड़के हैं उन्हें ही अवसर दिया जाए। वहीं प्रशिक्षित युवा हंसराज ने बताया कि कौशल विकास भत्ते के तहत उन्होंने ट्रेनिंग की है लेकिन इसके पश्चात वे बेरोजगार हो गए हैं और उन्होंने कहा कि सरकार उनके रोजगार के बारे में भी सोचे। जो आज का जो मीटिंग हुई वो जिस तरह से 3 महीने के लिए हमें बुलाया गया था और इसका जो फ्यूचर के लिए इसका क्या होगा इसके लिए हमने इसका मीटिंग को बुलाया गया और आगे के लिए इसके लिए हमारे के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट इसके बारे में हमने इस मीटिंग को बुलाया गया। हमें जिस तरह 3 महीने के लिए हमें रखा गया है इसके बाद हमें घर भेज दिया गया है, उसके साथ हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है। जिस तरह से हम 3 महीने के लिए हमें भेजा गया है इसके बाद हम बेरोजगार हो गए हैं, अपना काम काज छोड़ कर आए हैं। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट जो हिमाचल सरकार है इसके बारे में हमारे के लिए सोचें और आगे के लिए जो भी कनेक्टर भर्ती करें तो इसके लिए हमारे को विशेष छूट दी जाए और हमें कंसिडर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर फीस वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया और छात्र इस बारे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिले। छात्र फीस वृद्धि को लेकर वाइस चांसलर से मिले और एग्जामिनेशन फीस में वृद्धि को लेकर बात की। विद्यार्थियों ने बताया कि 550 से बढ़ाकर फीस को 2500 रुपये कर दिया गया है जो कि गलत है। विद्यार्थी वीरेंद्र ने कहा कि हम वाइस चांसलर के निर्णय से सहमत हैं, इन्होंने 2500 से फीस को 2000 कर दिया है, परंतु यदि कोई गरीब के बच्चे होंगे उन पर इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा। जो हमारी एग्जामिनेशन फीस थी ना वो थी पहले 515 रुपये और फिर उन्होंने कर दी 1500, पिछली बार की मतलब 1500 रुपये हमारी रेगुलर फीस एग्जामिनेशन और री अपीयर की कर दी इन्होंने 1000 रुपये और एकदम इन्होंने साल भी लास्ट सेमेस्टर हमारा फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं हम तभी इन्होंने सीधे 2500 रुपये कर दिया जो कि 2000 हमारी री अपीयर की होगी और 2500 उसी को कम करवाने के लिए हमने स्ट्राइक किए यहाँ पे। कि जो इन्होंने बोला कि हमने फीस जो है रेगुलर की एग्जामिनेशन 2000 कर दी और जो पर स्टूडेंट्स जो सप्ली की फीस है उन्होंने पर एक सब्जेक्ट की कर दी इन्होंने 500 रुपये जो कि 1000 लगती थी वैसे। अगर मान लो 3 सप्ली हैं हमारी तो 1500 रुपये देने पड़ेंगे, 4 है तो 2000 रुपये आपको रिटर्न है। इन्होंने और फर्दर इनकी अभी कोई मीटिंग है उसमें जाके इन्होंने नोटिस निकालना है भाई अभी एग्जामिनेशन जो भरना है हमने फॉर्म और उसके लिए मना किया है इन्होंने कि वो नहीं भरना है आपने। ठीक है, बाकी जो हमारी स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से तो जो हमारी पहले की फीस थी वो 1000 और 1500 भी रहनी चाहिए तो वो जाके हमने आगे अभी रखा है अपना प्रस्ताव। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत भत्ता की रिपोर्ट। के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। आज शरीयत पुनर्वार मेले एवं देवता मेले की सभी सुंदरनगर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं
और मैं सभी सुंदरनगर वासियों को अपील करता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर इस मेले में आएँ और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी एक संदेश जो है पूरे भारत में चला है स्वच्छता के बारे में, मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले के सुंदर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपने नगर को सुंदर बनाएं और समस्त पार्षदगणों की तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकेत की ऐतिहासिक नलवाड़ मेले पर और देवताओं के मेले पर मैं सुंदरनगर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है ये मेला, देवताओं का मेला नलवाड़ मेला, ये खूब हर्ष से खुशी खुशी से ये मेला यहाँ पर इस साल भी मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें लोग भाग लें। और प्रशासन से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि पशुओं के चारे की ठीक व्यवस्था और पशुओं के इलाज के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करें और इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का ये परंपरागत मेला, इसमें भी मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा कि देवताओं के ठहरने की, देवताओं के खाने की और उनका जो अपना ग्राउंड है नीचे उसमें ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेशवासियों को एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सुंदरनगर की तरफ से नलवाड़ मेले और देवता मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मंडी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला समिति सुंदरनगर के अध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से आप सभी को नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव कुमार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रधानाचार्य मोहित चुग की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, AIPMT, NDA एंड PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट फॉर HP पुलिस कॉन्स्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016। कोचिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी, एडमिशन स्टार्ट फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी, प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज पडल नियर पुलिस थाना मंडी। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 4 की, जहां सीवरेज लीक होने के कारण आम रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है और लोग विभाग से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की गुहार लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से गुजरने वाला यह एक आम रास्ता है और इस रास्ते में सीवरेज लीक होने के कारण लोगों को इस रास्ते से गुजरना दुभर हो गया है और यह समस्या काफी समय से बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार सीवरेज लीक होने के कारण इस रास्ते से गुजरना राहगीरों का दुभर हो जाता है और आसपास का वातावरण भी बदबूदार हो जाता है और घर में खाना पीना भी दुभर हो जाता है। जो सुबह बच्चे जाते हैं मतलब उनके लिए गंदगी है, सुबह तैयार होकर जाते हैं जूते फिर खराब, स्कूल में उनको डांट पड़ती है, वो अलग से बंदर जानवर आते हैं खाते हैं, फिर रोड गंदा, रास्ता गंदा,
और म्यूनसिपैलिटी वाले भी देखते नहीं है, एक दिन देखेंगे दूसरे दिन छोड़ देंगे। अभी रास्ते की स्थिति क्या है, क्या कारण है इस गंदगी का? सारी नालियाँ लीक हो रही हैं सर, बस सारा पानी ऐसे ही पड़ा है, ना कोई कंप्लेंट करता है और ना कोई देखता है। ऐसा कैसे हम रास्ते हैं तो ठीक है। आपको क्या लगता है विभाग को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए? देना चाहिए सर, क्यों नहीं देना चाहिए, ये तो रास्ते यही अपने रहना है हमने, फिर एरिया तो साफ होने चाहिए ना सर। लोगों का कहना है कि विभाग की शिकायत कक्ष में शिकायत करने पर कर्मचारी आते हैं और इसे ठीक कर जाते हैं, लेकिन सीवरेज बार बार लीक हो जाती है और लोगों ने विभाग से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। तो जो है ना घर और आने जाने वालों की सड़क है, बड़ी दिक्कत हो रही उसमें, टिट्टी में बैठ बैठ कर सड़क पर को लिख रहे और रिपोर्ट बतेरी कर करके भी छक ले आवेंगे, जरूरी बात झुट्टू सच्चू सी करके भाग जा। और हमें तो इतनी दिक्कत है, चाहे उड़ो को मकान है हमारे, इन मकानों का भी ले लेना अपने फोटो। फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इससे? लोगों का बद को इतनी फैल रही, मामा तो रोटी खाने का भी दुख हो रहा, बैठने का तो गा दूर, रोटी खाने का भी। अभी सुबह सुबह का समय है तो इस रास्ते से गुजरना भी काफी मुश्किल हो गया है ना। हाँ, पब्लिक का भी रास्ता जोर का नहीं को आने जाने को है जी, इसमें बड़ी परेशानी हमें हो जी। विभाग के कर्मचारी तो आते हैं वैसे ठीक करने के लिए इसको, आते पर नहीं ठीक करके सही नहीं जाते, अगले दिन फिर वही, दूसरे दिन फिर वही, ऐसा काम हो रहा जी। आप विभाग से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? क्या समाधान होना चाहिए, ये हमारी सिफारिश है हाथ जोड़ के, जो हमारी सुनवाई कर रहे तो कोई आकर मौका कर लो, चाहे उड़े को हमारे मकान है ना, हमें तो बैठ रहे तो मुश्किल हो गया, बाहर आने जाने वालों को भी दिक्कत ज़्यादा घनी हो रही ना। फिर थोड़ा बहुत काम करते फिर चले जाते हैं, दो दिन भी नहीं होंगे है, ज़्यादा रुक जाती है, हमारे को बहुत मुश्किल हो रही है इधर, है ना, खाना भी हमारा को इतनी बदबू आती घर हमारे नाला साथ में। अभी जैसे सुबह का समय है ना, क्या रास्ते की स्थिति है? रास्ते में आने जाने को बहुत दिक्कत आ जी, है ना, मेहरबानी करके इसको सफा कराया जाए। गंदगी के इस आलम में सांस लेना भी दुभर हो जाता है, लोगों ने विभाग से इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। वहीं वार्ड नंबर 4 में नेहरू महिला मंडल के सदस्यों ने एक प्राचीन बावड़ी की सफाई की और साथ ही साथ समाज को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया। जल ही जीवन है और हमें अपने प्राचीन जल स्रोतों को संरक्षित करना चाहिए, इसी उद्देश्य से नेहरू महिला मंडल के सदस्यों ने महिला मंडल की प्रधान धर्मी देवी और वार्ड पार्षद नेहा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 4 में स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई की। नेहरू महिला मंडल की प्रधान धर्मी देवी ने बताया कि यह प्राचीन बावड़ी है और इसके आसपास की सफाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बावड़ी के लिए रास्ता उचित नहीं है, उन्होंने जिला प्रशासन से बावड़ी के लिए उचित रास्ते के निर्माण करवाने की मांग की है। आज ये जो बावड़ी है हमारे मोहल्ले में, ये की बावड़ी है, इसकी सफाई करने जा रहे हैं महिलाएं, और इसमें जो साफ सफाई जो है इसका ध्यान रखना चाहिए सबको, और भविष्य में भी इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये की बावड़ी है, ब्याह शादियों में यहाँ से ही पानी भरते हैं, और भाई ये जो है खास हमारे लिए, ये बावड़ी खास है भाई, अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं हो अब तो ये पानी जो है भाई, अगर नलका नहीं आया तो यहीं से पीते थे पानी, आजकल कोई भी यहाँ से पानी नहीं ले जाता क्योंकि यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहीं वार्ड पार्षद नेहा ने बताया कि यह प्राचीन बावड़ी है और इसकी साफ सफाई स्वयंसेवी महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन से बावड़ी के लिए उचित रास्ते के निर्माण की मांग की है। बावड़ी है, ये हमारी प्राचीन धरोहर है, अब हम इस धरोहर को बचाना चाहते हैं। भविष्य में हम यही चाहेंगे जो महिलाएं समूह से जुड़ी हैं, चाहे किसी भी समूह से है, चाहे कोई युवा मंडल है, चाहे कोई सहायता समूह है, तो वो सारी जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी भागीदारी यहाँ पे दें और समय समय पर यहाँ सफाई करें, और मैं यही चाहूँगी सब अपना समय देकर यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने में हमारा भरपूर सहयोग दें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।
फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। डॉक्टर हेमंत कुमार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, अर्लियर वर्किंग इन मांडव हॉस्पिटल, ओपन्ड न्यू हॉस्पिटल विद फर्स्ट टाइम मॉडर्न फैसिलिटीज इन द सेंटर एंड हार्ट ऑफ मंडी टाउन एट हॉस्पिटल रोड, नीलकंठ हॉस्पिटल। हियर 24-आवर इमरजेंसी फैसिलिटीज अवेलेबल। यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पेशल प्राइवेट रूम्स अवेलेबल। वी हैव ऑपरेशन थिएटर विद मॉडर्न एंड न्यू इक्विपमेंट्स। ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर ENT प्रॉब्लम। वी ट्रीट विद जेन्युइन चार्जेस। नीलकंठ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, मंडी। मोहर सिंह का गंभीर रूप से घायल होना कोई हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश, इस मामले की जांच की मांग को लेकर मोहर सिंह के परिजनों ने SP मंडी को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को शिव थाना पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल जिला परिषद सदस्य संतराम के नेतृत्व में SP मंडी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य संतराम ने बताया कि टिल्ली पंचायत के एक गांव में मोहर सिंह घायल अवस्था में पाए गए। उन्होंने बताया कि इनके परिजनों का कहना है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कोई साजिश हो सकती है और इस बात की जांच होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर मंडी जिला पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। खलवान बाढ़ से ये प्रतिनिधिमंडल जो है मेरी बाढ़ से और शिवा थाना पंचायत से, इनके मेरे साथ जो खड़ा है इनके पिताजी जो है 31 रात की घटना है, 1 तारीख को जो है घायल अवस्था में जो है टिल्ली पंचायत के कनवाल के साथ का गांव है कोई, वहाँ मेरी ये घायल अवस्था में पाए गए। तो इनका कहना है कि वो जो है वो दुर्घटना नहीं है, वो एक सुरक्षित तरीके से उनके साथ बातचीत की गई है और ऐसा लगता है कि वो एक किस्म का मॉडिक तरफ एक कदम था। वो तो आज जो प्रतिनिधिमंडल हमारा SP साहब से मिला, हमारे प्रतिनिधि ने मांग की है कि इस मामले की जो है गंभीरता से जांच की जाए और जहां इनके पिताजी मजदूरी करते हैं और जिस घर में ठहरे थे उनसे भी पूछताछ की जाए और तमाम जो और लोग बैठे हुए थे उन सबको जो इसमें इस जाँच में शामिल किया जाए और इसको गंभीरता से इसको लिया जाए। वहीं परिजनों ने इस बारे में पुलिस प्रशासन से गहनता से जांच करने की मांग की है। सर, जो 31 तारीख का जो हादसा हुआ है मेरे पिताजी के साथ, मैं चाहता हूं कि उस मामले पर जल्द से जल्द जांच की जाए और जल्द से जल्द उसकी छानबीन की जाए और जैसे वो जिसके घर में गए थे और उसके प्रति पुलिस कदम उठाए और जल्द से जल्द छान की जाए। वहीं परिजनों के मुताबिक गंभीर रूप से घायल मोहर सिंह का इलाज PGI चंडीगढ़ में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। के चैनल पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए के चैनल के साथ।